कहानी की शुरुआत में हम इशिरो को देखते हैं जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी जरा भी इज्जत नहीं करती। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई को इकट्ठा करके उनके लिए एक घर खरीदता है, लेकिन वो लोग इससे जरा भी खुश नहीं होते। इसलिए कहते हैं, किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी झंड मत करो। इशिरो की लाइफ ना तो घर में अच्छी थी और ना ही ऑफिस में, क्योंकि आए दिन उसे ऑफिस में अपने बॉस की डांट सुननी पड़ती थी। एक रात जब इशिरो ऑफिस से अपने घर लौट रहा होता है, तब उसकी कुछ बदमाशों पर जाती है जो एक आदमी की लेने में लगे हुए थे। वो बिना कुछ किए चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बेटी मारी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने बापू से कहती है, शेमड़ी के तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब इशिरो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल आता है, तब उसे पता चलता है कि उसके लग चुके हैं, यानी कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इशिरो अपनी फैमिली के पास कॉल करता है ताकि वो उन्हें अपने शरीर में पल रहे कैंसर के बारे में बता सके, लेकिन उसकी फैमिली उसका कॉल पिक नहीं करती। शाम को जब सब लोग घर आते हैं, तब वो उन्हें अपने कैंसर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे इस तरह इग्नोर मार देते हैं जैसे कि कोई चाय में पड़ी मक्खी को मारता है। इशिरो को लग रहा था कि उसके मरने या जीने से उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अंदर से टूट जाता है और हल्का होने के लिए घर से बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक डॉग मिलता है जिसका नाम हनाको था। जब वो डॉग को घुमाने के लिए पार्क में आता है, तब उसकी नजर शिशिगामी पर जाती है जो कि उसकी बेटी के स्कूल में ही पढ़ता था। इससे पहले कि वो उससे बात कर पाता, उन दोनों को एक तेज चमकती रोशनी दिखाई देती है और उनकी आंखों के सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। अगले दिन जब इशिरो की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। इससे पहले कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाए, वो जल्दी से अपने घर आ जाता है और ऑफिस के लिए रेडी होकर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लगता है। खाते समय वो नोटिस करता है कि उसके खाने का टेस्ट चेंज हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इशिरो नोटिस करता है कि उसके बॉडी से वेपर्स निकल रहे हैं। जब वो अपने हाथ को टच करता है, तब उसका हाथ एक वेपन में बदल जाता है जो किसी की भी माँ बहन एक कर सकता था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो पूरी तरह से एक साइबोर्ग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी एक वेपन में बदल जाती है। इशिरो को लग रहा था कि ये सब शायद उसकी इमेजिनेशन है, इसलिए ये बात वो किसी को नहीं बताता। अगले दिन जब इशिरो ऑफिस आता है, तब उसका बॉस चिंटू उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे जॉब से निकाल देता है। इशिरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन चिंटू उसकी जरा भी नहीं सुनता और वो उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे जॉब से बाहर निकाल देता है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद जब वो घर लौट रहा होता है, तब उसकी नजर एक घायल कबूतर पर जाती है। जब इशिरो उस कबूतर को पकड़ता है, तब वो कबूतर ठीक हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ पर इशिरो को पता चलता है कि उसके पास हीलिंग पावर्स हैं, जिसकी हेल्प से वो किसी को भी ठीक कर सकता है। वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल में पड़ी एक लड़की को पूरी तरह से ठीक कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। अब हम शिमिगामी को देखते हैं जो अपने दोस्त एंडो से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो एंडो से कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे टेरिस पर लेकर आता है और एक उड़ती हुई बर्ड को शूट करके उसे मार डालता है। यही नहीं, वो एक कार को कंट्रोल करके उसे बुरी तरह से डैमेज कर देता है और उसे अपनी पावर्स के बारे में बताता है। जब एंडो को उसकी पावर्स के बारे में पता चलता है, तब वो काफी आश्चर्यचकित रह जाता है। अगले दिन जब एंडो स्कूल आता है, तब उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं, लेकिन शिशिगामी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इससे पहले कि वो उस लड़के को मार डाले, एंडो उसे रोक लेता है। क्लास खत्म होने के बाद जब शिशिगामी अपने घर जा रहा होता है, तब शियोन नाम की एक लड़की जो कि उसकी क्लासमेट थी और उसे काफी पसंद करती थी, वो उससे अपने दिल की बात कहती है, लेकिन शिशिगामी उसे जरा भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। शिशिगामी जब अपने घर आ रहा होता है, तब उसकी मॉम उसे कॉल करती है और उसे अपने फादर के घर जाने के लिए कहती है ताकि वो अपने फादर से मिलकर उनका हालचाल पूछ सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिशिगामी की मॉम का डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने बेटे के साथ अब अकेली रहती है। जब शिशिगामी अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर आता है, तब उसे अपने फादर पर काफी गुस्सा आता है। वो एक पल के लिए अपने फादर को मारने का सोचता है, लेकिन जब उसे उन छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आता है, तब वो रुक जाता है और घर से बाहर आ जाता है। इशिगामी जो अभी भी काफी गुस्से में था, वो एक घर में घुस जाता है और घर में मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। इशिरो को जब उनकी चीखें सुनाई देती है, तब वो दौड़कर उनके घर आता है, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। शिशिगामी जो अभी भी वहाँ पर मौजूद था, वो इशिरो को शूट कर देता है
और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब उस फैमिली की मौत की खबर न्यूज में आती है तब एंडो को सिशिगामी पर शक हो जाता है और वो उससे पूछता है, क्या तुमने उस फैमिली को मारा है? सिशिगामी उसे बताता है, मैंने ही उस फैमिली को मारा है और मुझे इस बात का काफी दुख भी है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो एंडो को ढेर सारे पैसे देता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन एंडो उसके साथ रहने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जब सिशिगामी घर आता है तब उसकी मॉम उसे बताती है, मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर है और ये कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरे पास ना तो इतना पैसा है और ना ही इतना वक्त कि मैं इस कैंसर का इलाज करवा सकूं। अपनी मॉम की बातें सुनकर सिशिगामी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उनके गले लगकर रोने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम इशिरो की फैमिली को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। इशिरो काफी दुखी था कि वो उस फैमिली को बचा नहीं पाया। अब क्योंकि इशिरो ठीक तरह से घर में रो भी नहीं सकता था, इसलिए वो अपना मन हल्का करने के लिए पार्क में आ जाता है जहाँ उसे ये पावर्स मिली थी। एंडो जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था वो इशिरो को देख लेता है और वो समझ जाता है कि इशिरो भी एक साइबोर्ग है। एंडो इशिरो से कहता है, मेरे दोस्त इशिगामी के पास बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही पावर्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल वो गलत कामों के लिए करता है। हाल ही में उसने एक फैमिली को भी मार डाला, तुमने तो इस बारे में सुना ही होगा। एंडो कैसे भी करके सिशिगामी को रोकना चाहता था, इसलिए वो इशिरो को ट्रेन करता है ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सिशिगामी को रोक सके। रात को जब वो दोनों प्रैक्टिस करके घर लौट रहे होते हैं तब मारी उन दोनों को देख लेती है। मारी को लग रहा था कि उसके डैड एंडो से उसकी जासूसी करवा रहे हैं। जब वो एंडो से इस बारे में पूछती है तब एंडो उसे कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। अब हम सिशिगामी को देखते हैं जो अपनी मॉम का दोबारा से चेकअप करवाता है। वो देखता है कि उसका कैंसर पूरी तरह से हील हो चुका है। सिशिगामी काफी खुश था कि उसकी मॉम अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब वो अपनी मॉम के साथ घर जा रहा होता है तब पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं ताकि वो उससे उस फैमिली के मर्डर के बारे में पूछताछ कर सके, लेकिन पुलिस वालों को देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पुलिस वालों को शूट करके वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद ये खबर पूरे अखबार में छप जाती है और स्कूल वालों के साथ साथ पूरे शहर को पता चल जाता है कि सिशिगामी पुलिस वालों को मार कर भाग गया है। जब सियोन को इस बात का पता चलता है तब वो उससे मिलने के लिए आती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। शाम को जब सिशिगामी टीवी ओपन करता है तब वो अपनी मॉम को देखता है जो मीडिया से घिरी हुई थी और रो रही थी। कुछ देर बाद जब सिशिगामी को ये पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली है तब वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो कंप्यूटर को हैक करके उस आदमी का पता लगाता है जिसने उसके घर का एड्रेस दिया था और ऑनलाइन आकर उसे मार डालता है। यही नहीं, वो ऑनलाइन आकर उन सभी को मार डालता है जिन्होंने उसके और उसकी मॉम के बारे में गलत कमेंट्स किए थे। वो सियोन को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे सब बता देता है कि उस फैमिली को उसी ने मारा है और वो इंसान नहीं बल्कि एक साइबोर्ग है। अगले दिन जब इशिरो को इस बात का पता चलता है कि किसी ने 26 लोगों को ऑनलाइन आकर मार दिया है तब वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सिशिगामी है। वो अपनी फैमिली को मोबाइल फोन से दूर रहने के लिए कहता है और उन्हें बाहर जाने से भी मना करता है, लेकिन वो लोग उसकी जरा भी नहीं सुनते और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सरकार कैसे भी करके शहर में शांति को बनाए रखना चाहती थी, इसलिए वो सिशिगामी को मारने का ऑर्डर देती है। उसी रात जब सिशिगामी सो रहा होता है तब पुलिस चुपके से सियोन के घर में घुस जाती है और उस पर फायरिंग करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिशिगामी उन्हें शूट करके उन्हें मार डालता है। इस फायरिंग में सिशिगामी तो बच जाता है लेकिन सियोन मारी जाती है, जिससे सिशिगामी को काफी दुख होता है क्योंकि उसकी माँ के बाद सिर्फ वही थी जो उससे प्यार करती थी। सिशिगामी जानता था कि जब तक वो जिंदा है तब तक लोग उसे मारने के लिए आते रहेंगे, इसलिए वो शहर में मौजूद सभी इंसानों को मारने का डिसीजन लेता है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सिटी के सभी कंप्यूटर्स और मोबाइल्स को हैक कर लेता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। जब एंडो को इस बात का पता चलता है कि सिशिगामी ऑनलाइन आकर सबको मार रहा है तब वो इशिरो की हेल्प से दोबारा से कंप्यूटर और मोबाइल्स को हैक करता है और सभी को अपने मोबाइल से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद सब लोग अपने मोबाइल्स को दूर फेंक देते हैं। जब सिशिगामी को इस बात का पता चलता है कि एंडो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है तब वो छोटे छोटे रॉकेट्स लॉन्च करके अपने आसपास की बिल्डिंग्स को ब्लास्ट कर देता है, इससे पहले कि वो और तबाही मचाए। इशिरो वहां आकर उसे रुकने के लिए कहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है।
बताता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन शिशिगामी उसकी जरा भी नहीं सुनता और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। फाइटिंग के दौरान वो दोनों एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं। इसीरो हेलीकॉप्टर में मौजूद एक आदमी को बचा लेता है, लेकिन नीचे आते ही शिशिगामी उसे शूट कर देता है और मार डालता है। इसीरो समझ चुका था कि वो उसे आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए वो प्लान बी अपनाता है। वो शिशिगामी को इधर उधर भगाता है ताकि वो थक जाए, और ऐसा होता भी है। शिशिगामी जब बुरी तरह से थक जाता है तब गलती से वो सॉल्टेड पानी पी लेता है। दरअसल सॉल्टेड पानी पीते ही उनकी बॉडीज कमजोर पड़ जाती हैं, और उसकी इसी कमजोरी का इशिरो फायदा उठाना चाहता था। जब शिशिगामी उसे मारने के लिए मिसाइल्स फायर करता है तब इशिरो उन मिसाइल्स से बचते हुए उसे लेकर स्पेस में आ जाता है ताकि वो उसे मार सके। शिशिगामी इशिरो को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता इशिरो उस पर रॉकेट्स फायर कर देता है और उसे मार डालता है। शिशिगामी के मरते ही इशिरो अपनी बेटी मारी के पास आता है। वो अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को दोबारा से ठीक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर शिशिगामी आ जाता है जो अभी तक जिंदा था। जब उसे इस बात का पता चलता है कि मारी इशिरो की बेटी है तब वो मारी को शूट कर देता है और इशिरो को बहुत मारता है। यहाँ पर मारी को पता चलता है कि उसके डैड इंसान नहीं बल्कि एक साइबोर्ग हैं, जो उसकी काफी केयर करते हैं और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाप बेटी के बीच प्यार उमड़ता देख शिशिगामी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मारी को बिल्डिंग से फेंकने के लिए ले जाता है। इशिरो उससे कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी जगह तुम मुझे मार डालो। ऐसा कहकर वो उससे अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है, लेकिन शिशिगामी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो मारी को बिल्डिंग से फेंक देता है। मारी को बिल्डिंग से गिरता देख इशिरो में और भी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और वो शिशिगामी की आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी बेटी को नीचे गिरने से बचा लेता है। वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके एक बार दोबारा से अपनी बेटी को ठीक कर देता है। इशिरो अपनी बेटी से कहता है, इन सब के बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे काफी लोगों की जान बचानी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट वो डिक्लेयर करती है कि शिशिगामी मर चुका है और केस को क्लोज कर देती है। इस खबर के कुछ दिन बाद हम दोबारा से शिशिगामी को देखते हैं जो एंडो के रूम में उसका वेट कर रहा था और अभी तक जिंदा था। एंडो उससे कहता है, मैं तुमसे डरता हूँ लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। एंडो उसे देख कर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है शिशिगामी वहाँ से जा चुका होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।